हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में 5 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। हादसा नगरनाथ थाना क्षेत्र का है, जहां बारातियों से भरी पिकअप पलट गई। बारात गाड़ी के पलटने से 3 लोगों की मौत हुई है, 35 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। पिकअप वाहन में लगभग 40 लोग सवार थे। बकावंड गांव के पास का ये पूरा घटनाक्रम है। सभी घायलों को 112 की मदद से अस्पताल भेजा गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। रामनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। बकावंड गांव की ओर जा रही थी ये बारात, जिस वक्त ये हादसा हुआ है। तो बकावंड की ओर जा रही थी ये बारात। आशुतोष जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, सवाल संवाददाता। आशुतोष, क्या स्थिति है घायलों की? जी देखिए, बिल्कुल बता दूं कि जो ये पूरा मामला नगरनाथ थाना क्षेत्र का है, जहां पर तारागांव से एक पिकअप वाहन आ रहा था, जिसमें करीब 25 से 30 लोग सवार थे और अनियंत्रित हो गए। वाहन पलटने के कारण 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 112 के द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए डिमरापाल हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। टोटल 3 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और इलाजों की स्थिति यहाँ पर, कई लोगों की स्थिति यहाँ पर नाजुक बताई जा रही है, जिसका इलाज डिमरापाल हॉस्पिटल में जारी है। और हालांकि बता दूं आपको कि जो पिकअप वाहन है, जो प्रशासन है यहाँ पर कई बार आगाह किया है कि जो माल वाहन है उसमें ग्रामीणों या फिर उसमें सवारी ना बिठाया जाए, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही पूर्वक जिस तरीके से पिकअप वाहन में वहाँ पर ग्रामीणों को ले जाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। चलिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आके भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो चलिए, इस वक्त की एक और